चलती लोकल ट्रेन में एक ब्योड़ा घुसा था बाग। कौन कौन बहुत देर से बैठे ले, चलो चांस दे सबको, ए उठ उठ के बैठने का, लगातार कंटिन्यूस नहीं बैठने का, मैं भी टिकट निकाल ले ले। एक सीट खाली थी, उधर बैठ गया तो सामने देखा, फादर को बोलता है, इसका हिम्मत देखी, फादर को बोलता है, हेलो फादर। बहुत अच्छा, ले ना थोड़ा एक पैक लियो, है बोतल है ना, थोड़ा एक मारो ना। हेलो फादर, ले ओ ले। फादर बोले, माय सन, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ता आपको नरक में ले जाएगा। अच्छा, मेरे घाट को ऊपर उतरना है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होता है वो बेचारा पेन बर्दाश्त करता है, उसका ऑपरेशन हुआ, तकलीफ सहता है, उसको जो प्रॉब्लम है वो तो है, उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं वो लोग जो देखने आते हैं, उसको मिलने जो आते हैं विजिटर्स। वो अच्छा खासा डॉक्टर उसको बोल के गया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मामूली सा है, ठीक हो जाएगा, अब आराम से आप ऐसा कीजिए, दवा खा के आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं, डॉक्टर समझा के गया। इतने में देखने वाले लोग ऐसे ऐसे मुंह बना के, क्या हुआ? क्यों, कब कब हुआ? हाँ, अरे अरे मुश्किल है इनका, मुश्किल है। हाँ कभी कभी, हाँ अटैक है, हार्ट अटैक है दूसरा। अरे अरे फिर तो एक ही बचा है, तीन होते हैं लास्ट, एक ही बचा है। अरे अरे, जो डॉक्टर इतना समझा के गया था अब ये टेंशन में है। अच्छा, अब इसको मालूम पड़ा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में देखिए, एक विजिटर आया बेड पे और देखिए कितना शाना है, पहुंचा, कैसे हुआ, क्या हुआ, एक सेकंड एक सेकंड, मैं शू पहन गया, चलेगा क्या, शू पहन गया हूँ। अच्छा सुनो, एसी लगा ना यार, वो मेरे को नीचे आने नहीं दे रहे यार, मैं नर्स को धक्का होकर दे गया। अच्छा नर्स यहाँ की सॉलिड है यार, एकदम बढ़िया नर्स है, तो मिला कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो अभी आज ही होश में आया हूँ, तबीयत बराबर होगा तो देखूंगा नर्स को, अभी तो बराबर देखा नहीं। अच्छा अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हुआ, क्या था? अरे ऐसे थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था। अरे यार, इसके लिए तू एडमिट होने के पहले एक फोन कर देता मेरे को, एक फोन, मेरे जीजा साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका देखो पेपर में आया था मिड डे में, ऑपरेशन कर रहे थे, मोबाइल अंदर भूल गए थे। मेरे जीजा है, तेरे में यूं करा देता था, मेरे मौसा साइन हॉस्पिटल में, साइन हॉस्पिटल नहीं, पेपर में आया था, एक कुंवारी लड़की का डिलीवरी करा दे, वो मर गई थी, मेरे वो है, वो अभी डीन हो गए ना, अभी देखो लीलावती में मेरी साली है, हाँ उसका जो डॉक्टर से लफड़ा हुआ था, मेरी साली तेरा यूं करा देता बड़ा बड़ा, एक एक फोन तो करता तू। अरे तू तो ऐसा बोल रहा है कि घर में अगर तकलीफ हो, घर में अगर आग लगे तो पहले पानी नहीं डालने का, पहले ऐसे दोस्त को फोन करने का जिसका पहचान फायर ब्रिगेड में हो। ये हुआ ही था कि तभी वार्ड में एक ऐसा विजिटर आया, एक ऐसा आदमी देखने के लिए आया जो खुद बह रहा है, खुद को सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो वार्ड में आ गया तो उसको ध्यान आया, करे यार मैंने वो कान की मशीन तो लिया नहीं, मैं पेशेंट की बात सुनूंगा कैसे। बाद में खुद ही डिसाइड करता है, एक्चुअली ना किसी पेशेंट की बात सुनने की जरूरत होती नहीं है, सब एक जैसा बोलते हैं, वो क्या बोलने वाला सबको मालूम रहता है। किसी पेशेंट से पूछो अब तबीयत कैसी है, सब बोलते हैं आप पहले से अभी। तो समझ जाने का क्या बोल रहा है वो। तो बगैर कान की मशीन के बेड के पास आ गया और आपको मालूम हर बहरा आदमी ऊंचा बोलता है, उसको लगता है सब लोग कम सुनते हैं, गजोधर। ए गजोधर, अब तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है, मरे जा रहे, पेन बहुत हो रहा है। अच्छा मतलब पहले से फायदा है? फायदा है, हाँ बहुत फायदा है बहरे, इसको क्या फेंक के मारूं, ये अंदर घुसा कैसे वार्ड में। अच्छा खाने में क्या ले रहे हो? खाने में तेरा भेजा खा रहे हैं बहरे, तेरा भेजा खा रहे हैं, अच्छी चीज है, टाइम से खाया करो।
टाइम टू टाइम खाओ, फायदेमंद है। खोपड़ा खोलो मेरा, मेरा प्लास्टर कटने दे, प्लास्टर ही प्लास्टर मारूंगा इसको। अच्छा किस डॉक्टर को दिखा रहे हो, किस डॉक्टर को? यहाँ के हालात को देख के तो लग रहा है कि मैं यमराज को दिखा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर है, इलाज बहुत जड़ से करता है, जड़ से उखाड़ेगा। नाम बहुत सुना है, बहुत फेमस डॉक्टर है यमराज। ये कोई नहीं मरने वाला हो तो मर जाए, इसको मैं ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारता हूँ। अच्छा यहाँ से घर कब आ रहे हो? घर 14 ऑपरेशन हो गए मेरे पे, 14 पूरे बदन में सलिया डाल दिया है। अब तो यही लगता है बिल्डिंग बना, मैं यहाँ से सीधा ऊपर ही जाऊंगा। जल्दी करना, हम दुआ करेंगे। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, और जो लोग बैठे हैं खड़े हो जाएं। नहीं, लेट जाएं। पिछले दिनों बॉम्बे में बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, फ्लड। आपने देखा ट्रेन बंद हो गई, लोकल बंद हो गई, कई लोग, बहुत सारे लोग दो दो दिन तक फंसे रहे बगैर खाने के, बगैर प्यास के। आपने न्यूज में देखा होगा, जगह जगह पानी भरा हुआ, हालत खराब। एक आदमी बेचारा भूखा प्यासा क्या करे, किसी घर में जाके बेल मार दिया, टंग टंग। हेलो, आपको पता होगा बारिश हो रही, आपको मालूम है ना बारिश हो रही, ट्रेन वगैरह सब मतलब बंद है, जा नहीं पा रहे, मतलब भूख लगी खाली, मतलब रात आप क्या गुजार ले, सुबह चले जाएंगे बस। ऐसे कैसे चले आए मुंह उठा के? ऐसे कैसे आपको रख ले, यू चले आए कहीं भी आके बिल मार दी। ये बहु बेटियों का घर है, यहाँ बहु बेटियां रहती हैं। अच्छा, दूसरे फ्लैट में बिल मार, टंग टंग। हेलो, हम लोग ऐसे फंस गए, मतलब रास्ते में कहीं घर भी नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेन वगैरह बंद है, आप क्या मतलब रात गुजार ले। अरे भी ऐसे कैसे रख ले भैया, बताइए, जान नहीं पहचान नहीं, मुंह उठाए चले आए है, अब कौन है, क्या है, किधर से आए है, है? ये बहु बेटियों का घर है। तीसरे घर में गया, खुद ही बेल मार के बोलता, टंग टंग। हेलो, आपके यहाँ बहु बेटी है? क्यों क्यों, क्यों? रात गुजारनी है। वाह भैया, कमाल। और जब इस तरह से भयंकर से बारिश हो जाती है तो हमारे अच्छी दुकान खोली तुमने, पूरा शटर ऊपर कर दिया। जब इस तरह से भयंकर बारिश हो जाती है तो हमारे टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं कैमरा लिए हुए यहाँ से चारों तरफ, और जो लोग पानी में डूबे हैं उनके हेल्प नहीं करते निकालने में, उनसे पूछते हैं कैसे फंसे, क्या हुआ। और कई बार जब पूछते हैं तो कैमरे की आवाज भी आती रहती है, वो न्यूज में दिखाई पड़ती है। हेलो, आप ये बताइए, जो बाढ़ आई है, आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, डरिए मत बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अब सामने वाला बेचारा पहली बार टीवी के सामने घबराहट के साथ मर रहा है। साहब साहब, हम लोग ऐसे मतलब जो मतलब रात को हम लोग ऐसे बैठे रहे, हम गजोधर मिश्रा और यादव, हम लोग मतलब साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को बैठे रहे तो गाने उन्हें गाते रहे, गाना बजाना चलता रहा, तो धीरे धीरे मतलब बारिश आना शुरू हो गया साहब, तो पानी हमने पहले हमारे पैर की उंगली में छुआ, बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता रहा, पी ले रहा। धीरे धीरे साहब पानी बढ़ने लगा, मेरी धोती में घुसना शुरू हो गया। जैसे साहब मतलब पानी और ऊपर बढ़ा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा। फिर साहब मतलब देखते देखते पूरे गांव में बाढ़ हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया, बाढ़ बाढ़ पानी हो गया साहब। बाढ़ में हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीबी डूब रही थी, गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ और तोरी बीबी को तो कोई ना कोई बचा ही ले। टीवी वालों ने एक महिला से पूछा है, एक लेडी से पूछा। हेलो राजू भैया, हाँ मैडम, आप बताइए, जो बाढ़ आई है, आपका कोई नुकसान हुआ, किसी ने आपकी मदद की? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। ऐसा है भैया, ऐसा है कि हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा है,
कोई कह रहा है मतलब जो है झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा है नदी में बांबू पकड़ के लटके हैं, बस इनका पता नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, उनका कोई हुलिया बताइए, दिखने में कैसे थे? बोली दिखने में तो रहे एकदम हीरो, लंबाई एकदम 6 फुट 2 इंच, लंबे चौड़े चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, बहुत लंबे चौड़े रहे हैं। उसकी सहेली बोली, ए भौजी झूठ क्यों बोलती है, तेरा मर्द तो बुटका और टकला बुढ़ा है ना। चुप, वो रहने दो ना, अभी टीवी वाले ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। मनोहर भैया से भी पूछा और मनोहर भैया शायद टीवी वालों को देख के जानबूझ के पानी में घुस गए कि मैं भी न्यूज में आऊंगा। टीवी वालों ने पूछा, हेलो आप अभी भी घुसे ना, हमको देख के घुसे ना, आई बाहर ही बाहर ही आई बाहर निकले, नहीं यही ठीक है, अरे ठीक है अब यही ठीक है, नहीं नहीं अब बाहर आ जाइए, हमको देख के घुसे ना बाहर ही, नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते हैं? अंडरवियर नहीं है। टीवी वालों ने एक ऐसे करेक्टर से पूछ लिया, ये अंदर से भरे होते हैं पूरे, इनमें पॉलिटिशियन बनने के बहुत गुण होते हैं, इनको लगता है कब माइक मिले पब्लिक मिले मैं पूरा बोलूं। उनको बोल दिया, हेलो आप बताइए जो बाढ़ आई है आप क्या कहना चाहते हैं, आप पर किसी पे डाउट है, किसी शिकायत है, आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बराबर, कम्बल वगैरह मिले, हम बताइए। हम बोली देखिए मैं इस देश का नागरिक हूं और हमारे वोट देने से सरकार बनती है, हमारा फर्ज है, हम सरकार से पूछ सकते हैं क्योंकि सरकार को हम बनाते हैं, सरकार हमको नहीं बनाती है। मैं पहले सपा के अंदर था, बाद में 2 बरस में बसपा के अंदर था, भाजपा के अंदर में पहले काम किया आदमी हूं, अभी कांग्रेस आई भी ज्वाइन करने का है, मैं ऐसा पॉलिटिशियन आदमी समझदार और मैं आग बंद करके भाग लेने वाला नहीं हूँ। इस तरह की बारिश 5 बरस पहले भी बिहार के अंदर आई थी, उसमें लालू प्रसाद वहां मौजूद थे, लालू प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में बातें कही थी, लेकिन प्रश्न खड़ा होता है आज हम जागरूक हो चुके हम सरकार सवाल कर सकते, अगर जगन्नाथ मिश्रा वहां पर मौजूद थे, मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से, उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बाढ़ आई थी वहां नवभारत टाइम्स के लोग मौजूद थे, मैं सामना पत्र के लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार जो है हिंदुस्तान टाइम्स के लोग वहां मौजूद थे, मैं विलास और देशों के सवाल करना चाहता हूं, जो केंद्र हमें फंड देता है लेकिन उसके अंदर प्रश्न खड़ा होता है अगर मौलाना बुखारी इस बात से मैं सहमत नहीं, उसमें राजेश पायलट जिंदा थे और उसमें आप माधव और सिंधिया ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, आज हमारे बीच नहीं है, वो शहर में पहुंच चुके, लेकिन प्रश्न होता है अगर उस बात को मानते जाकर सवाल किया जाता दिग्विजय सिंह, मैं दिग्विजय सिंह की बात से सहमत नहीं, उमा भारती मौजूद थी, देवगड़ा आए थे, देवगड़ा ने हमारी सुरक्षा की गारंटी ली थी, देखिए जब हम वोट देते वोट देने के आते ही लोग, जब हमारी सुरक्षा का प्रश्न होता है, बाढ़ का प्रश्न होता है, केंद्र सरकार जो फंड देती है, मैं मुलायम सिंह यादव से पूछना चाहता हूं, वहां पर कल्याण सिंह मौजूद थे, राजनाथ सिंह ने हमारे प्रश्न का जवाब दिया था, कलराज मिश्र वहां पर मौजूद थे, लेकिन सहमत नहीं हूं, आज हमारे दांत जाग चुका है, मैं जानना चाहता हूं, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं। एक सेकंड, आपको कहना क्या है? कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूं। बहुत खूब, बहुत है गुरु, तेरे में कमाल। मेले की बात बताऊं, मेला जो छोटे शहरों में होता है गांव में, एक तरफ आप टिपिकल मेला गांव का, एक तरफ जानवर बिक रहे हैं, एक तरफ जलेबी बन रही है, एक तरफ समोसे बन रहे हैं, उधर तोता भविष्य फल दिखा रहा है, हर काउंटर पे रिकॉर्ड बज रहे हैं, तेज लाउड स्पीकर लगा हुआ है, खोया पाया केंद्र भी वहां सूचनाएं चलती रहती हैं, ऐसे मेले में जब आप घुसिए, कभी कभी आप घुसते हैं तो देखिए एक साथ कितनी आवाजें आती हैं कंटिन्यूअस, आप मेले में घुसे, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे आगे बढ़ते जाइए, बेंजी भाई साहब भाई साहब, ए बंबई की भेल, बंबई की भेल, बंबई की भेल, भेल भेल, दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट लीजिए, दिल्ली की चाट लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिस किसी का है पुलिस चौकी से ले जाए, के पागल घुंघरू बांध, ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोल, ओले 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 ओले, आगे बढ़ते जाइए, बेंजी बेंजी भाई साहब, मौत का कुआं देखिए, मौत का कुआं देखिए, कर गया तो सर्कस वरना मौत, मौत का कुआं देखिए, एक लड़की एक लड़...
लड़की जिंदा सांप खाती है, एक लड़की जिंदा सांप खाती है। बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए। तोता भविष्य फल बताता है, तोता भविष्य का फल बताता है। मथुरा के खुरचन लीजिए, मथुरा के खुरचन लीजिए। आगे बढ़ते जाइए, अपनी जेबें संभालिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए एक बच्चा खो गया है जो लाल चड्डी पहने हुए है, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी से ले जाए। के पागे घूंगे रू बांध ओ आज मौसम। आगे बढ़े, दो रुपए में राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन देखिए, दो रुपए में शाहरुख खान। आइए आखिरी खेल। एक बच्चा खो गया है, बाद में पता चला मेले में एक ही बच्चा डेली खो रहा था, सेम बच्चा लाल चड्डी पहन के हमेशा खो जाता था। आज जब उसकी माँ लेने आई तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे बच्चा रोज कैसे खो रहा है? हैं? आज मैंने पहचान लिया है, डेली खोता है, तुम ही लेके जाती हो, ये क्या चक्कर है? पहले बच्चा दे दो दरोगा जी, पहले बच्चा दे दो भी बता रहे। दरोगा जी बात ऐसी है, हमारे गांव के प्रधान ने हमसे कही कि बच्चा अगर मेला देखे में डिस्टर्ब करे, परेशान करे, तो जानबूझ के पहले से ही पुलिस चौकी के पास छोड़ दो। हमने सुनी है कि मेले में बच्चे लोगों को पुलिस बहुत अच्छा संभालती है।